की शुरुआत कावे के साथ। तो रात से ही हो रही है। This is the lobby. This is the view. सब कुछ जमा पड़ा है। स्नोफॉल हो रही है। आते यूनिस भाई बाहर ही होंगे। थोड़ा ध्यान से उतरता हूँ मैं पहले। This is the view. काफी स्लिपरी है बट हम लोग यहाँ से होटल से गंडोला इट्स समवेयर अराउंड 2 किलोमीटर्स बट रादर देन टेकिंग अ स्लेज वील बी वॉकिंग बिकॉज वॉक करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो तू तो आराम आराम चलना। ये गुड ईंट हाँ ये आई थिंक बर्फ पे हाँ ओके। रूल नंबर 1 ऑलवेज वॉक ऑन द साइड। दिस योनिस भाई योनिस भाई यहीं से हैं और 2 दिन हमारे साथ में रहेंगे। हमें पूरा घुमाएंगे। आज फॉर्चुनेटली हम लोग टाइम पे निकले क्योंकि इरा जल्दी उठ गई थी। दिस इज एक्चुअली स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो कुछ भी नहीं है। दिस इज एक्चुअली द क्राउन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली द क्राउन ऑफ इंडिया। द व्यू द ट्रेल्स पूरा स्नो से ढका हुआ है। वो मंदिर कौन सा है वहाँ पे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है डन करते हुए चलेंगे। मस्त टेकिंग अ लॉन्ग वे। हम लोग खूब घूम के पैदल चल के ऊपर जाएंगे। ड्राई स्नो है। नाइस बेटा क्यों नाले छा राती where are we going but
बस चलते जाना है। ऐसा लग रहा है कि साइबेरिया में पहुंच गए। कुछ भी नहीं है। यूनिस भाई साथ में है इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है, वरना हमारी तो पड़ जाती। ओके सो वी आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रोजन लेक राइट नाउ। ये पूरी लेक है, ये ब्रिज है, इसके नीचे कितना बर्फ होगा नीचे ये वाला, अभी 4-5 फीट होगा। ओके इसके सामने ना एडवेंचर एक्टिविटी 1 छोटा सा स्की एरिया है, वो स्लोप है, वहाँ से लोग नीचे आते हैं, हम लोग ऊपर जाके करेंगे स्कीज, वहाँ ज़्यादा फन है। यहाँ पे भीड़ बहुत है, काफ़ी भीड़ है। कहाँ है सो रहे, कैसे सो रहे हैं आराम से, जंगल का राजा कौन मैं। हर एक जगह का, हर एक टर्न का एक अपना अलग ही व्यू है। आप फ़ोन जेब में रखो, जितने 2 स्टेप चलोगे फिर एक अच्छा व्यू आ जाएगा। ओके ये हेलीपैड है, कहाँ गया? अच्छा वही ये एक हेलीपैड है जो कि बर्फ का पैड बन चुका है अभी। अभी फिलहाल और अभी और ऊपर जा रहे हैं। वो 10,000 है ना? 10,500। तो इन टोटल फिर हम 17,000 फिट टोटल ना मिला के, ना मिला के वही। अच्छा ओके so those who have extra bucks in winters can stay here. ये जो पेड़ों के बीच में huts है, this is Khyber. केवल कार्सन को बढ़िया व्यू मिलेगा। आज के टाइम पे अभी हमको बता रहे थे ये पर नाइट 50,000 से 60,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंटली। हमने जब इनिशियली आई थिंक दिसंबर में जब इंक्वायरी करी थी तो 10,000 रुपये पर नाइट था, फिर हमने सोचा चलो बाद में करेंगे। जनवरी 14 के पे जब हमने यहाँ पे करा तो इट वाज लाइक 30,000 एंड टुडे इट इज़ 55,000 रुपीज़ पर नाइट। यूनिस भाई ने जुगाड़ कर दिया अकेले जाने का। लॉक हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं।
गंडोला में। ओके ये क्या था? ये पत्थर। ओके पे ऊपर आ गए, अब जाएंगे नीचे। ओके काफी स्लिपरी है ये, मेजरली स्कीइंग लवर्स के लिए तो जन्नत है भाई। वो ऊपर जो दिख रहा है वो है फेस टू, जहाँ हमारा मूड तो नहीं है, बट लेट्स सी, अगर पता नहीं मूड हो जाए तो। सनशाइन, हाँ कहाँ मिलेगी? फ्यूनिस भाई पानी का बॉटल पीने का आगे मिल जाएगा, मिल जाएगा आगे। आराम से आराम से आराम से। This is Gulmar phase 1. ये इस सीजन का स्नोफॉल है, ये होगा, मैं 5 फिट 10 का हूँ तो ये 6.5-6.5 फिट के आसपास स्नो गिरा है इस बार। सो ये ऐसे ही मैप करते हैं,
सवा फिट साढ़े छह फिट के आसपास होगा ये, ज्यादा खड़े भी स्नोक पे हो, हाँ तो सात साढ़े सात फिट के आसपास है ये स्नो। Coming out. ₹100 एंट्री फीस है, ऐसा कुछ अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप खास खाना है या कुछ भी करना है, बट अंदर बैठ के अगर हॉट बेवरेज करनी है तो यू कैन एनीवेज डू यू। एक कावा है।